स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट टू फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एंड हाउ वी कैन गेट दैट कि विच कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन अबाउट द बॉन्ड्स. ओके, इज दैट क्लियर? सो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में फर्स्ट थिंग इज लाइट. वट इज लाइट? लाइट we have like basic, go back to your basic class 11th. Light has two natures. Like if you can, dikhai de raha hai na? Ma'am, upar ka part dikhai nahi de raha. Okay. Is it fine? Like main jo likhti ja rahi hu na, wo main change karti hungi because I cannot cover the whole page with this stand. साथ साथ बोलती जा रही तो आप कॉपी okay. करके अपना लिखोगे तो फर्क हो जाएगा. जो मैं लिख रही हूँ वो दिखाई दे रहा है ना साथ में? हेलो, कौन बोल रहा था अभी? मैम ठीक है, आप बोल रही है ना तो हो जाएगा. थोड़ा सा कट रहा है ऊपर से. ओके, इज इट फाइन नाउ? वो थोड़ा सा कटेगा यार, आई कैन नॉट कवर द होल पेज. कोई नहीं, मैं आपको कर सकता हूं. ओके, सो लाइट जैसे हमने क्लास 11th में बेसिक, इफ यू रिमेम्बर, वी टॉक अबाउट दैट लाइट हैज अ वेव नेचर एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर, राइट? पार्टिकल नेचर वी टॉक अबाउट फोटोन्स. ओके, वी टॉक अबाउट फोटोन्स. फोटोन्स क्या होते हैं? दे आर पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी. जो एक प्रॉपर बंडल ऑफ दैट फोटोन्स विल मेक अप लाइट. सो इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे क्वेश्चन आ सकता है इन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी विच दे कैन आस्क यू, और केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी ये चीज कवर होगी, दैट इज अबाउट जो पार्टिकल नेचर से होती है, अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली, ओके आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज. सो इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वट हैपन्स, सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर मेटल. एक मेरे पास ये लाइट सोर्स है, मैं इस पे लाइट जो है इस पे आई हैव पुट ऑन द लाइट. ओके, दिस हैज पर्टिकुलर एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइट इज एच न्यू. सो जो भी मेटल होगा उसका एक वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा. वट डज दैट मीन? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसके एटम्स है, यू कैन सी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. सो फ्रॉम द आउटर मोस्ट बाउंड्री विद व्हाट मिनिमम एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी किक्ड आउट, दैट इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन इज नथिंग, इट इज एनर्जी ओनली. ओके, सो यू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू नॉट एंड you represent it with h nu naught. So this is nothing but a part of energy which was initially given on this particular metal which has actually helped this electron to be kicked out. Okay, so this is called as a work function. Aur ye har ek metal, har ek element ki different hogi, and with plus there is something else which is also there, that is the kinetic energy which is associated with it. So ye jo ek equation hai, you remember this can be asked from physical chemistry part as well as from your physics section in the general section of your gate b exam as well as in other exams from from JNUE. okay, now coming back to the another nature of the light, that is wave nature. मैं पेज चेंज ही कर लेती हूँ, अगर ना दिख रहा हो तो प्लीज बता देना, मुझे नहीं पता चल रहा है. ओके, नेक्स्ट इज वेव नेचर. वेव नेचर ऑफ लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिकॉज हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो स्पेक्ट्रम इज नॉट ओनली अबाउट, स्पेक्ट्रम मीन्स द होल रेंज ऑफ लाइट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस थिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू योर मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. लिख रही है ऊपर, लिख रही है शायद, आई थिंक ऊपर ऊपर. हाँ, वो नहीं दिख रहा जो तू लिख रही है, वो दिख नहीं रहा. नहीं दिख रहा क्या अब भी? थोड़ा सा नीचे कर दे, वो जो जहाँ लिख रही है ना. अब ठीक है, ठीक है. ओके,
ओके सो वेव नेचर इज व्हाट दिस इज ट्रू फॉर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो जो जितनी भी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होंगी उसके अंदर हम एक एक पर्टिकुलर लाइट सेगमेंट को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज यूवी विजिबल, राइट. द नेम सजेस्ट दैट हियर आई एम टेकिंग विच सेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यूवी विजिबल दैट इज अल्ट्रा वॉयलेट एंड विजिबल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, दिस इज होल रेंज फ्रॉम हियर यू हैव एक्स रेज एंड हियर यू हैव हाई रेडियो वेव्स. ओके सो यहां पर तुम्हारे पास इधर एक सेक्शन में दिस इज अकॉर्डिंग टू बेसिकली द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी जिसकी ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस होल स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. इन यूवी विजिबल वी कंसिडर द यूवी पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके सो जो मैं पढ़ाऊंगी लाइक इन दिस केस आई विल बी कवरिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट. First, I'll discuss about the principle, how you can, the formula, the quantitative analysis, its applications and limitations. Okay, so these are important parts which you have to remember in each case of spectroscopic technique. So first is UV visible. इस केस में ना हम लोग जो बात करेंगे बिकॉज इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं. बच्चों से पूछ लेते हैं कि क्या मतलब उनको समझ में आ रहा है और क्या अच्छे से दिख रहा है एक बार, नहीं तो फिर मतलब हेलो एवरीवन. सर दिख तो नहीं रहा है बट मैम तो बोल रही है लिखने के साथ साथ तो उससे तो नोट डाउन करने में कोई परेशानी नहीं हो रही. और अदर नोट डाउन कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना सबको. और अदर स्टूडेंट्स आंसल अनीस अतुल भावना जानवी व्हाट अबाउट यू. इट्स फाइन सर. ठीक है ना, ठीक है फिर चलो कंटिन्यू. कैमरा एक बार ठीक कर लो क्योंकि थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ रही है मतलब समझ रहे होगे. हम भी ठीक है क्या थोड़ा यार थोड़ा बस ठीक है ठीक है ठीक है. मैं थोड़ा बड़ा फॉन्ट लिखने की कोशिश करती हूँ. ओके सो इन दिस केस हम जो मैं इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन डायग्राम बनाऊंगी दैट इज कॉल्ड एज मोर्स डायग्राम. ओके उससे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द बेसिक प्रिंसिपल. ओके दिस इज द स्पेलिंग, कैन यू सी मोर्स डायग्राम, प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो. ओके सो सपोज दिस वन बेसिक वन एंड दिस इज the electronic electronic first one, this is your ground level. Okay, this is your ground level where electron is in the resting state initially for any compound and this is the excited state. Okay, तो ये basic electronic states होती है हमारे पास जो हमारे electrons के लिए electrons can go which you have, I'm sure you all have studied about it in the Bohr diagram in basic chemistry, where electrons can go, excite and come back to their resting state, right? So apart from that, there are other energy levels as well, which are present. These energy levels, they are present in the ground level. For example, I'm drawing that with the help of dotted diagrams here. These levels, they are called as the vibrational levels. Okay, vibrational levels, what does that mean is, for example, there is a bond which is formed between two atoms. These atoms, this bond has tendency to rotate, to move. So this is creating vibrations inside a molecule among different atoms who are forming bonds. So the electrons, they are vibrating when they form bonds. So these different levels, they also require energy and these are called as vibrational levels. Okay, so the electron now has two possibilities. On gaining energy, it can go to an excited state as well as it can go to a upper higher vibration levels. The similar case is possible when they are coming back to the ground state from excited state. As similar, I have drawn here for the ground state, the excited state also has different vibrational levels. So this is true for all the atoms. Okay. This Mohr's diagram is true for fluorescence or infrared. हर जगह ये चीज़ follow होगी. But कुछ जो हमारे पास
एटम्स होते हैं वो फ्लोरोसेंस शो करते हैं, लेकिन कुछ एटम्स फ्लोरोसेंस शो नहीं करते. दैट डिपेंड्स ऑन दिस एनर्जी एनर्जी लेवल गैप एंड द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज. ओके, फ्लोरोसेंस आई विल बी डिस्कसिंग लेटर. सो फर्स्ट थिंग, कोई भी चीज जैसे हम एब्जॉर्प्शन के लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन के केस में कौन होते हैं एब्जॉर्प्शन हमारे, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन. व्हाट आर दे आर बेसिकली एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. ओके, सो दे शो एब्जॉर्प्शन जिसकी वजह से हम प्रोटीन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी व्हिच अलाउज एब्जॉर्प्शन टू हैपन. फर्स्ट देयर इज दिस गैप व्हिच इज प्रेजेंट. दिस गैप एक्चुअली इज एब्सेंट, सॉरी आई एम सॉरी, दिस गैप इज एक्चुअली एब्सेंट इन दोज व्हिच आर शोइंग हाई एब्जॉर्प्शन. दैट मींस दीज टू बैंड्स विल बी ओवरलैपिंग, दे आर नॉट लाइक दिस. इफ दिस गैप इज प्रेजेंट, इन दैट केस देर इज पॉसिबिलिटी दैट फ्लोरोसेंस माइट अकर. बट उसके लिए आगे आई विल टेल यू दैट देर इज समथिंग एल्स विच इज ऑल्सो देयर. ओके, सो मैं अब मोर्स डायग्राम, दिस इज अ बेसिक फॉर मोर्स डायग्राम. नाउ आई विल टेल यू दैट की एब्जॉर्प्शन होता कैसे है. ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है. आई एम नॉट टीचिंग यू. ओके, सो माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड कर दिया करो सब. सो आई टोल्ड यू दैट वाइब्रेट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट वुड बी ओवरलैपिंग. सो व्हाट डज दैट मीन इज जो ग्राउंड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल्स हैं दे ओवरलैप विद द वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ द एक्साइटेड स्टेट. सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, दे आर ओवरलैपिंग. सो व्हेन आई गिव द एनर्जी टू दिस कंपाउंड, electrons from this, suppose they goes from here, this is a particular vibration level here in the excited state, and then they come back here. In this case absorption happens. So this is at the atomic level ki absorption ke andar actually mein ho kya raha hai. And now can you relate that why from absorption we get the information about atoms and molecules, that this particular aromatic group is present in this case, but फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम है, वट विल यू इम्प्लीकेट फ्रॉम दैट? दैट मीन्स दैट उसके अंदर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स नहीं थे, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोटीन का एब्जॉर्बेंस ज्यादा है, वट डज दैट मीन दैट उसमें एब्जॉर्बेंस हो रहा है. लेकिन नाउ द रीजन इफ आई गिव आस्क यू कि वाई ओनली एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर शोइंग एब्जॉर्बेंस, द रीजन इज रेजोनेंस. ओके, सो जो डबल बॉन्ड है, जैसे प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, हम डीएनए आरएनए की बात करें उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एब्जॉर्बेंस. ओके, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से अमीनो एसिड्स या फिर क्या रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन शो करने के लिए. तो यू हैव टू करेक्टली मार्क द these three amino acids in case of proteins are showing absorbance. Okay, and why excuse me ma'am. Yes, ma'am, अभी आपने जो ये चीज बताया कि both the मतलब diagrams are overlapping, तो उसके अंदर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो इट शुड एमिट द एनर्जी, बट यहाँ पे आपने बताया कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो एक बार आप प्लीज फिर से बता दो. यस, इट इज नॉट, इट विल एमिट द एनर्जी एज यू राइटली सेड, बट बिकॉज वाइब्रेशनल लेवल्स दे आर ओवरलैपिंग, दे विल कम लाइक दिस. लाइक अगर मैं इसको जूम करूँ हियर, दीज आर वाइब्रेशनल लेवल्स, दे विल एमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट. लेकिन जो एनर्जी एमिट होगी दैट इज इन द केस ऑफ फ्लोरोसेंस की एनर्जी गैप है. तो फॉर एग्जाम्पल कैन यू सी द डायग्राम विच आई एम मेकिंग बिलो? यस. सो इस केस में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर नॉट देयर, सॉरी आर देयर बट गैप इज देयर, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन गोज हियर, इट लूजेज इट्स एनर्जी इन द वाइब्रेशनल स्टेट हियर, ये इन द फॉर्म ऑफ हीट जाएगा. ओके, तो जो वाइब्रेशनल में लॉस होती है एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट जो ये वाला गैप को ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी विल बी एमिटेड आउट. बट इन केस ऑफ एब्जॉर्बेंस बिकॉज द गैप इज नॉट देयर, सो दिस एनर्जी इज नॉट देयर, बट व्हेन द गैप इज देयर दिस एनर्जी इज रिलीज्ड आउट एंड दिस गिव राइज टू द फ्लोरोसेंस. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. हां, ओके, यस यस, ओके ओके.
दिस मस्ट लाइक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में अगर लूज होगा दैट एनर्जी विल गो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड अगर एनर्जी गैप को करते टाइम इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है एंड देन इट इज कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंस. सो जो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से इंफॉर्मेशन कर रहे हैं उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ओके, बिकॉज इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है एंड नो एनर्जी इज रिलीज आउट. वो हीट की फॉर्म में हो रही है एंड वी कैन नॉट मेजर दैट. ओके, बट इन केस ऑफ फ्लोरोसेंस दिस एनर्जी हमने एक मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की फिर वो वापस ग्राउंड स्टेट पर आएगा बट सिंस देयर इज अ गैप वो एनर्जी वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड वी कैन मेजर दैट. तो फ्लोरोसेंस देयरफॉर इज नॉट एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज एन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. So this is so the like option question can come like which of the following is false regarding fluorescence spectroscopy. तो वो उसमें option दे देते हैं कि it is a type of absorption fluorescence. It is a type of absorption spectroscopy. So it is not. It is an emission spectroscopy. इसमें हम absorb जो light absorb हो रही है हम वो detect नहीं करते in case of fluorescence. But in absorbance हम वो लाइट डिटेक्ट करते हैं जो एब्जॉर्ब होती है. विच पोर्शन ऑफ यूवी लाइट वी हैव गिवन इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड व्हाइल इन फ्लोरोसेंस विच पोर्शन हम उसमें भी यूवी विजिबल ही देंगे. वी आर यूजिंग इन बोथ ऑफ देम द स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा उसका यूवी विजिबल वाला पार्ट ही हम इसके केस में भी यूज कर रहे हैं फ्लोरोसेंस में भी. लेकिन उस केस में हम एमिटेड लाइट को मेजर करेंगे. ओके, इतना क्लियर है बेसिक प्रिंसिपल? यस. हेलो. ओके, नेक्स्ट इन केस ऑफ यूवी विजिबल द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. बियर लैम्बर्ट लॉ आई एम श्योर दैट यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट इट. ओके, बियर लैम्बर्ट लॉ जो होती है दिस इज ट्रू फॉर यूवी विजिबल. ओके, दिख रहा है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. सो यू कैन यू हैव टू एक्चुअली डायरेक्टली इसको याद करने की जगह यू कैन जस्ट थिंक व्हाई इज इट सो. अगर मैं किसी भी प्रोटीन सैंपल सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है उसकी मैं कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आपको देती हूँ तो ज्यादा चांसेस है ना मेरे उस प्रोटीन सैंपल के अंदर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होंगे और एब्जॉर्बेंस मुझे कौन देगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. तो मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगी तो ऑब्वियसली एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी एंड एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज होगा. राइट, सो जस्ट फ्रॉम बेसिक लॉजिक यू कैन थिंक लाइक दिस दैट एब्जॉर्बेंस ऑब्वियसली विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सैंपल. इट वुड बी प्रोपोर्शनल फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्यूबिट. This is called as path length. That is, for example, the light which was placed, it comes from here. ये sample का distance है, ये इसको cover करके इधर हमारा detector जो है, that detector is placed, which is detecting the light. So, जितना ज्यादा sample को वो cross करेगी, obviously उतना ज्यादा absorbance के chances हैं कि वो high है. If I take it as thin or thick, so therefore it is directly proportional to path length as well. So this is path length and concentration. So these are the two things on which absorbance is directly dependent upon. But do you think that we can increase path length beyond certain thing? We cannot. Why? Kyunki agar main path length badhati jaun kyunki mujhe zyada signal chahiye easily, to my instrument will be very heavy, right? इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा. देयरफॉर आई कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन पाथ लिमिट देयर बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माय इंस्ट्रूमेंट जो हम डायरेक्टली कंपनी से लेते हैं. तो जनरली पाथ लेंथ इट इज क्यूबिट पे होगा सो इट इज लाइक 1 सेंटीमीटर. एंड कॉन्सेंट्रेशन में भी ये कुछ लिमिटेशन है विच आई एम टेलिंग यू, यू कैन नोट इट डाउन. एंड इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एज वेल वी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. ओके, reasons why is it so? If I increase so much concentration, what will happen? Protein molecules hai ya koi bhi molecule hai,
if I increase so much, there is a tendency that they will come close to each other because molecule is more concentrated now. So they will try to form bond within each, within themselves, and they will aggregate down, right? Like if I can show you by this diagram, for example, this is, I have taken, this is a protein molecule, this is another protein molecule, this is another protein molecule. If I have taken high concentration, they will come, they will have high tendency that they can interact with each other more. Or yahan pe kis type ki bonding hoti hai, generally van der Waal bonding hogi. So iski wajah se this protein molecule now has formed a bonding with each other and they will aggregate and settle down. और ये सेटल डाउन कर जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द लाइट विल गो लाइक दिस राइट वो इसके साथ इंट्रैक्ट ही कम कर पाएगा दैट इज व्हाई वी कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन ओके सो यू डू नॉट हैव टू मग अप कि हम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं लेते लेंथ फिक्स होती यू थिंक लॉजिकली व्हाई इज दिस सो इज इट क्लियर यस ओके So these are the two major concentration limitations of UV visible that हम concentration limited लेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा For example if I have a protein sample that do not have enough of aromatic amino acids I cannot increase concentration much ताकि मुझे एक detectable signal मिले and I am not getting enough signal because of which it is not having enough aromatic amino acids so उन cases के अंदर absorbance लेना मुश्किल हो जाता है इन सच केसेस सो दैट इज व्हाई दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके सो इसीलिए बियॉन्ड अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन जो लीनियर रिलेशनशिप मुझे एब्जॉर्बेंस फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक अ ग्राफ विद एब्जॉर्बेंस एंड सी बिकॉज इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो एब्जॉर्बेंस शुड इंक्रीज बट आफ्टर सर्टेन टाइम दिस ग्राफ डेविएट्स इट ईदर गोज लाइक दिस और इट कैन ऑल्सो गो इन सम केसेस लाइक दिस It deviates from its original path after a certain limit of the concentration. Okay, so this is the reason for that aggregation mainly. Now, if I Beer-Lambert law to go further on, if I remove this proportionality constant, this becomes ECL, which is molal extension coefficient, and this is completely a property of अ मॉलिक्यूल ओके ये फिक्स रहेगा हर एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्टोफैन का एक अलग ई वैल्यू एप्सिलॉन वैल्यू होगा और एक दूसरे अमीनो एसिड का एक डिफरेंट एप्सिलॉन वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं ओके सो दिस इज योर बियर लैम्बर्ट लॉ इन सॉरी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली इससे पूछ सकते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आई सॉ द क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन था ऑन दिस दैट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज बियर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो यू वर सपोज टू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन ओके सो ऑन दिस बेसिस यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन राइट नाउ नेक्स्ट So limitation is done. Beer-Lambert's law in terms of intensity. So absorb intensity is suppose I naught is the initial intensity of the light which I have supplied, and some has absorbed right. कुछ light उसने absorb कर ली मेरे sample ने तो obviously जो intensity मेरा detector detect करेगा वो obviously बात है कम होगी initial से right. तो in terms of absorbance this is equal to you can write absorbance as log of initial intensity by the transmitted intensity and this is equal to ECL so this is your complete law Lambert's Beard law is it visible yes, yes ma'am okay so and next thing applications So applications as I told you to determine the different samples जो हमारे पास present है या फिर एक unknown protein का मुझे sample for example निकालना है हम क्या करेंगे उस case के अंदर हम अपने standards बना लेंगे for example मुझे एक unknown protein की concentration निकालनी है मैंने standard solution बना लिया of 10 micromolar suppose then 20 micromolar 30 micromolar okay 40 micromolar of a of my protein then I'll take absorbance of this a1 a2 a3
A4 एंड आई विल देन ड्रॉ ग्राफ. तो ग्राफ क्या एक्सपेक्ट होगा अप्रोक्सीमेटली, इट विल कम अ स्ट्रेट लाइन. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव इन मिडल अ नोन कॉन्सेंट्रेशन, उसकी भी मुझे एब्जॉर्बेंस जो है वो निकालनी है. तो स्टैंडर्ड ग्राफ से आई जस्ट एक्सट्रापोलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस. सो मेरी एब्जॉर्बेंस यहाँ पर थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर थी, आई विल गेट द इन्फॉर्मेशन कि ये कॉन्सेंट्रेशन मेरे अननोन सैंपल की होगी. ओके सो दिस इज जनरली यूवी विजिबल इज यूज फॉर टू फाइंड आउट अननोन कॉन्सेंट्रेशंस. प्रोटीन सैंपल में डिटरमाइन करना कि विच टाइप विच प्रोटीन इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर. एरोमेटिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज का कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है. दीज आर जनरल एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन से उतना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग. ओके another thing is about the is there only aromatic amino acids which are responsible for showing absorbance in case of proteins. No. Okay, kuch absorbance jo hai wo dusre bonds bhi show karenge. Okay, jisme sabse pehla important bond banega form show hoga, that would be by the peptide bond. ओके लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड थोड़ी कम एब्जॉर्बेंस शो करेगा क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा एज कम्पेयर टू एरोमेटिक सिस्टम रिजोनेंस कम होता है. इस वजह से पेप्टाइड बॉन्ड शो करता है बट कम. ओके सो पेप्टाइड बॉन्ड व्हाट इज इट, इट इज एन अमाइड बॉन्ड राइट. पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, आई हैव एन एच ग्रुप हियर, दिस इज ऑफ दिस इज सी अल्फा ऑफ माई वन अमीनो एसिड ए अमीनो एसिड वन. And this is my C double bond O bond here of an amino acid 2. For example, I'm not drawing the complete here. And यहाँ पर मेरे पास ये bond बना है. So यहाँ पर इन दोनों bonds के बीच में resonance होता है, right? दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. तो because of resonance, this particular peptide bond also shows absorbance. लेकिन ये जिस wavelength पर absorbance show करता है, that is generally from 190 to 210 nanometers. While जो aromatic amino acids होते हैं, they show maximum at 280 nanometer. Okay, so note it down. This wavelength is important. 280 nanometer and 190 to 210. Peptide bond का जो absorbance है, that is seen at 190 to 210 nanometer. And in case of aromatic amino acids, it is 280. Okay. So for example, if some protein do not have some much of aromatic amino acids, मुझे ये पता है, मुझे उसकी फिर भी I want to study about it using UV visible. तो हम उस केस में कैसे फॉरवर्ड करेंगे, उस केस में हम उसके पेप्टाइड बॉन्ड्स की एब्जॉर्बेंस जो है वो लेते हैं. लेकिन उस केस में मैं जो उसको इनिशियल लाइट पास ऑन करूंगी उस पर, वो मैं कम वेवलेंथ की करूंगी, नॉट एट द 280 नैनोमीटर. ओके आई गिव द लाइट एट इनिशियल वेवलेंथ एंड देन आई कैन मेजर कि दिस पर्टिकुलर इज शोइंग मोर वेवलेंथ और नॉट. बट पेप्टाइड बॉन्ड क्योंकि प्रोटीन सैंपल है तो पेप्टाइड बॉन्ड सब में ही प्रेजेंट होगा, इसीलिए इट इज नॉट यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स. मेन हमारे क्रोमोफोर्स इन केस ऑफ एब्जॉर्बेंस एरोमेटिक ही रहेगा सिंस पेप्टाइड बॉन्ड विल बी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द प्रोटीन्स. ओके इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बनता है प्रोटीन्स के केस में, दैट कैन ऑल्सो शो सम ऑफ द रिजोनेंस. ओके ये शो कर सकते हैं बट मेजर क्रोमोफोर्स आर योर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. ओके नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन की जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसा होता है, तो दिस इज ऑब्वियसली फर्स्ट देयर विल बी हियर अ लाइट सोर्स. ओके हम यहाँ से लाइट सोर्स करेंगे. यहाँ जनरली एक हम मोनोक्रोमैटर रखते हैं, दिस इज मोनोक्रोमैटर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटर, फ्रॉम द नेम यू कैन सी मोनो मीन्स वन राइट एंड क्रोमो मीन्स कलर. सो दैट मीन्स इट इज अलाउइंग टू पास ओनली वन वेवलेंथ ऑफ लाइट थ्रू इट. ओके ताकि सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट यहाँ से पास हो पाए मेरे जो सोर्स से, अगर मल्टीपल वेवलेंथ्स आ रहे थे तो. यहाँ पर मेरा सैंपल रखा होगा क्यूबिट के अंदर, सो हेयर इज माई सैंपल होल्डर एंड देन यू हैव अ डिटेक्शन सिस्टम हेयर एंड दिस डिटेक्शन सिस्टम इज अटैच टू योर
is detection system is attached to your computer, which has the software and which is displaying you about the different absorbance values. So this is a very basic instrumentation which is present in UV Visilin. Okay, so these are the majority of things which they can ask you. Any questions or anything is there which is not clear? मैम वो इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कितना होगा वैल्यू? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, कैन यू रिपीट? हेलो मैम, आप सुनने दे रहा है? हाँ हाँ, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है सिस्टीन में, वो प्रोटीन में, उसका वेवलेंथ तो आपने नहीं बोला, वो बोल सकते? दैट इज इन द सिमिलर रेंज विद पेप्टाइड बॉन्ड, 190 to 210, 230 आई गेस. आई मीन एक बार मैं, इट इज इन द सिमिलर रेंज, मैं एक बार कंफर्म कर ले करके ग्रुप पर डाल दूंगी, बट जितना मुझे याद है इट इज इन द सिमिलर. ओके हेलो, कंटिन्यू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंटेशन. सो व्हाटएवर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यू आर रीडिंग, उसको बाइफर्केट कर लो इन सब टॉपिक्स, उसका प्रिंसिपल, उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कि हम क्या लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला, सब में तो नहीं होता बट किसी किसी में है, जैसे इसमें बियर लैम्बर्ट लॉ है. देन उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका एप्लीकेशंस, और अगर ग्राफिकल कोई चीज रिलेटेड है तो ग्राफ देख लो. ओके, इन सब पार्ट से ही क्वेश्चन पूछेंगे, मेजरली फ्रॉम प्रिंसिपल एंड इन केस ऑफ यूवी विजिबल बियर लैम्बर्ट लॉ. इतना इंस्ट्रूमेंटेशन या एप्लीकेशंस पर वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. ओके okay, next is fluorescence. So fluorescence ka maine thoda discuss kiya tha when someone asked me a question about emission. So it is first thing you need to remember that it is an emission spectroscopy. Second thing, ye fluorescence jo ho raha hai, that is like you have these levels, there is a gap. Ye jab electron mera yahan se upper excited state mein jayega, when it comes back यहाँ पर जो एनर्जी वाइब्रेशन लेवल में ये लूज करेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. बट टू ओवरकम दिस गैप बिटवीन दिस, सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट हियर एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. सो दिस एमिटेड लाइट गिव्स राइज टू फ्लोरेसेंस. ओके, तो ये हमारी फ्लोरेसेंस होती है. क्लियर है इतना? हेलो, बोल दिया करो यार अगर नहीं समझ आ रहा तो कुछ, या नहीं दिख रहा तो भी. ओके, सो नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आती है अबाउट द क्रोमोफोर्स, या फिर इस केस में हम वर्ड एक स्पेसिफिक यूज करते हैं, दैट इज फ्लोर्स. तो अगेन इन दिस केस रिजोनेंस शोइंग कंपाउंड्स, दे शो फ्लोरेसेंस, एंड these are tryptophan, tyrosine and phenylalanine, जिसमें majorly it is tryptophan and tyrosine, phenylalanine उतना show नहीं करता. okay, अब generally क्या होता है proteins में fluorescence detect करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस case में ये तो जो already protein के अंदर present है, that is a property of the protein, right? so these fluorophores they are called as intrinsic fluorophores, but मुझे अगर किसी चीज को डिटेक्ट करना, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, सो आई एड सच कंपाउंड विच शोज फ्लोरेसेंस एंड दे बाइंड टू अ सर्टेन साइट इन माई प्रोटीन और इन माई न्यूक्लिक एसिड, एंड एट द सेम टाइम दे डू नॉट डिस्टर्ब द बॉन्डिंग, द नेटिव बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन माई प्रोटीन सैम्पल और इन माई डीएनए आरएनए सैम्पल, दे आर नॉट कंटेमिनेटिंग इट, और दे डू नॉट डिस्टर्ब or destroy any kind of native property. Such compounds, they are called as extrinsic fluorophores. Okay, extrinsic fluorophores इनको कहेंगे, और कोई भी चीज जो हम extrinsic fluorophore की तरह use करेंगे, as I told you, वो उसकी native property को destroy नहीं करना चाहिए. अगर वो कर रहा है तो obviously I cannot use that. मैं फिर मुझे कैसे पता लगेगा that this is particularly, this molecule is present in my sample, या ये मेरे पास protein है. I am not getting the right information. So this should be, I should say that this should not react basically. Okay, but only increase the fluorescent signal so that वो जब उससे bind हो रहा है, fluorescent signal दे रहा है, that means this particular thing is present in my sample. Okay,
तो ये हमारे पास फ्लोरेसेंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है. इसके अलावा फ्लोरेसेंस का, इफ आई टेल यू अबाउट द फॉर्मूला, देर इज नथिंग, इट इज जस्ट द फ्लोरेसेंस एफिशिएंसी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. इट इज इक्वल टू द लाइट एमिटेड बाय लाइट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड. ओके, इससे इतना ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. ठीक है, लाइट एमिटेड बाय लाइट एब्जॉर्ब, दिस इज योर फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी ऑफ एनी कंपाउंड व्हिच इज शोइंग फ्लोरेसेंस. इंस्ट्रूमेंटेशन भी कंप्लीटली इसकी सिमिलर ही होगी जैसी मैंने यूवी विजिबल के लिए बताई, लेकिन एक्सेप्ट ओनली वन थिंग. ओके, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, बिकॉज इसमें देर इज एन एडिशन कि मेरे पास सपोज दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, हियर आई एम प्लेसिंग माई सैम्पल. दिख रहा है क्या? दिख रहा, दिख रहा. यस मैम, दिख रहा. सोनू सचिन रिप्लाई कर दो यार. दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा. ओके, सो दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर सैंपल, बिकॉज दिस इज आल्सो एमिटिंग अ लाइट, राइट? मुझे इस एमिटेड लाइट को डिटेक्ट करना है. यहाँ पर भी जनरली एक हम मोनोक्रोमैटर प्लेस करते हैं, सो दिस एमिटेड लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू दिस मोनोक्रोमैटर विच इज मोनोक्रोमैटर टू. वन मोनोक्रोमैटर इज प्लेस्ड हेयर बिटवीन द सोर्स एंड सैम्पल, एंड देन हेयर द डिटेक्टेड लाइट विल बी सीन. ओके, और हमें सिग्नल अपना मिलेगा, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हमने सिस्टम से लगा रखा है उस पर विल गेट द सिग्नल. ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? और कुछ समझ नहीं आया तो हेलो मैम. आ रहा है समझ में. और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ये इसने बताया वो समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? तुम लोगों को कुछ ऐड करना है तो तुम लोग बोल सकते हो. नथिंग, जस्ट वही पूछ रहे, लाइक वियर लैम्प और छोटे जैसे और आगे पूछ रहे हैं. और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर के? हां, जो भेजा है हमने ग्रुप में. ज्यादा टॉपिक सॉल्व करने की जगह क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. रिप्लाई करोगे तो इंटरेक्टिव होगा, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा. रिप्लाई नहीं करोगे तो थोड़ा सा अनइंटरेक्टिव सेशन हो जाता है. अब तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे, हमें लगा तुम लोग सो गए, फिर हमें भी नींद आएगी. रिप्लाई कर दिया करो यार. यस मैम, कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व. फ्लोरेसेंस में यही मेन है, ठीक है, प्रिंसिपल और एब्जॉर्बेंस का, और न्यूमेरिकल आ सकता है बियर लैम्बर्ट लॉ से, उसकी इंटेंसिटी वाला जो मैंने रिलेशनशिप बताया है वो, एंड ऑल्सो वन थिंग, इंटेंसिटी ट्रांसमिटेंस नहीं बताया ना मैंने. सो एब्जॉर्बेंस इज लाइक जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. लाइक इफ यू आर कंसिडरिंग एब्जॉर्बेंस हाई है तो ऑब्वियसली ट्रांसमिटेड लाइट कम होगी. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दिस ना, बेसिक लॉजिक है. अगर मैंने एक लाइट दी किसी सैंपल को, वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ट्रांसमिटेंस कम शो करेगा, ऑब्वियसली बात है, वो लाइट कम ट्रांसमिट करेगा. बट ऑन द अदर हैंड, इफ देर इज अनदर कंपाउंड विच इज एब्जॉर्बिंग लेस, वो जो लाइट उसको दी गई थी वो उसको सारा पास ऑन कर देगा, मोर ट्रांसमिटेंस शो करेगा. सो दिस इज अ एब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस. ओके, तो वो लोग क्वेश्चन में कई बार ट्रांसमिटेंस पूछ लेते हैं रादर देन डायरेक्टली आस्किंग यू एब्जॉर्बेंस. ओके मैम, फ्लोरेसेंस और इसकी बेसिक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मोर्स डायग्राम बनाया है वो देख लेना. और जो मेरे पास नोट्स हैं, फोटोकॉपी है एक्चुअली, आई विल स्कैन दैट. ओके, एंड आई विल सेंड इन द ग्रुप. उसमें से यू कैन सी इफ यू वांट टू सी एनीथिंग. ओके हेलो. यस मैम. ओके, तो आज मेरी तरफ से तो इतना ही है. नेक्स्ट मैं सीडी, एनएमआर और एमएस आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके ओके. एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू आस्क? जो पढ़ाया उसमें से कोई डाउट हो? और यार एक ये चीज बताओ, दैट लाइक प्रेजेंटेशन बनाऊं मैं या फिर आई कैन कंटिन्यू इन दिस वे?
हाँ ये चीज मतलब आपको डिसाइड करना है क्योंकि डिपेंडेंट ऑन यू। स्लाइड से ही पढ़ा सकते हैं, बट हमने सोचा कि यार एक बार ट्राई करते हैं कि मैथमेटिक्स हो गया और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, अब जो भी ये आप ये पढ़ते हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट रहता है तो समझ भी आता है, इंटरेक्टिव भी लगता है। इफ इट इज पॉसिबल, अगर स्क्रीन एनोटेशन पॉसिबल है तो वो इससे बेटर रहेगा। वो एक्चुअली कॉपी में ना वो थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो थोड़ा स्क्रीन टेढ़ा करके देखना पड़ता है। स्क्रीन जो बोर्ड जैम बोर्ड है आई कैन ट्राई दैट, बट उस पे लिखना विद फिंगर इज वेरी डिफिकल्ट। हां आई वाज यस।